नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनावों में उतरेंगे। उनकी पार्टी का गठन होगा, 2 अक्टूबर को उसकी घोषणा होगी और वो 2, 4, 10, 50 सीटों पर नहीं, बिहार की 243 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उनके इस ऐलान को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके अलग अलग कोण, अलग अलग तरह से उसका एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में क्या भूमिका अदा करने जा रहे हैं? क्या वो विपक्ष की राजनीति को मजबूत करने जा रहे हैं? क्या वो सत्ता में आने का दावा ठोक सकते हैं, यानी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं? क्या वो बीजेपी के लिए खेल खेलने जा रहे हैं? क्या वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आइए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रशांत किशोर अभी तक क्या राजनीति कर रहे थे? पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो चुनाव रणनीतिकार के तौर पर काम नहीं करेंगे और अब विशुद्ध रूप से वो जन अभियान में जुट जाएंगे। उस समय उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया था कि वो चुनावी राजनीति में उतरेंगे। राजनीति की बात तो कर रहे थे लेकिन चुनावी राजनीति से एक तरह का परहेज भी जता रहे थे। उन्होंने बिहार में जन स्वराज यात्राएं निकाली। पिछले 6-8 महीने से वो यात्राएं निकल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। उनकी बातों का सार अगर देखना चाहें तो यही है कि आपको सब ने धोखा दिया है, अब आप अपने भविष्य के लिए चुने। सारी पार्टियां बेकार हैं, सब गलत हैं और उनको छोड़कर आपको नया विकल्प चुनना चाहिए। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं नया विकल्प हूँ। अब वो खुद को नए विकल्प के रूप में पेश करने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि उनकी चुनावी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब उभर कर सामने आ गई, स्पष्ट तौर पर हमारे सामने है। लेकिन ये तो एक सवाल है, सबको अपनी महत्वाकांक्षा रखने और पूरी करने का हक है, सबको राजनीति में हिस्सेदारी करने का हक है, अपनी अपनी तरह से राजनीति करने का हक है और पीके को भी है। लेकिन सवाल उठता है कि उनकी राजनीति किसको मजबूत करेगी और किसको कमज़ोर करेगी, वो किसको टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि वो दलित और अल्पसंख्यकों को अपने से जोड़ना चाहते हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों को अपील कर रहे हैं कि वो बाकी लोगों को छोड़ कर उनके साथ आए। अब ये दलित और अल्पसंख्यक किनका वोट बैंक है, किनके साथ जुड़ा हुआ है, ज़रा ये देखिए तो आपको प्रशांत किशोर की राजनीति भी समझ में आ जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगा कि उनकी राजनीति से किसको फ़ायदा होने जा रहा है। अल्पसंख्यक आप जानते ही हैं कि पूरी तरह से आरजेडी कांग्रेस के साथ है और उसका छोटा सा टुकड़ा आप कह सकते हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार के साथ भी है, जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा कम हुआ है और अब जिस तरह से नीतीश कुमार पेश आ रहे हैं इससे उनसे वो दूरी और बढ़ सकती है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत होकर उभरे हैं उनके प्रति आकर्षण अल्पसंख्यकों का बढ़ सकता है। तो अल्पसंख्यक वोट तो एकमुश्त तौर पर महागठबंधन या इंडिया के साथ जाएगा, आरजेडी कांग्रेस को उसका हिस्सा मिलेगा, पूरा बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो अगर वो अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो कटिहार और किशनगंज जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसीज हैं उनका दौरा भी कर चुके हैं और वहाँ भी इसी तरह से वो उनको लुभाने की बातचीत भी कर चुके हैं। अब आइए देखिए दलितों का रुझान अब किस तरह से है। पूरे उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, कांग्रेस के साथ जो दल जुड़े हैं उनकी तरफ बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि पोलराइजेशन दलितों का महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ हो रहा है। ठीक है कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी 5 सीटें जीती हैं, एक पॉकेट में उसका उनकी पार्टी का भी असर रहा है और ये जो संविधान बचाने आरक्षण बचाने की बात है वो उस तरह से बिहार में असर करती हुई नहीं दिखी है। लेकिन अब जबकि पूरी उत्तर पट्टी में इसका असर दिखा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका असर दिखेगा। ऐसे में क्या वो दलितों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये दो चीज़ें जोड़कर अगर आप देखें दलितों और अल्पसंख्यकों को, तो साफ हो जाता है कि वो आरजेडी को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। और जो भी मदद करने की कोशिश, इनको कमज़ोर करने का मतलब है कि वो जा रहे हैं बीजेपी के मदद करने के लिए, यानी वो एक वोट कटवा की भूमिका तो निभाएंगे ही इन पार्टियों को कमज़ोर करने और बीजेपी को मजबूत करने। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेंगे इस चुनाव में। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि उनकी राजनीति इसी दिशा में जा रही है। एक बात और जोड़कर देखें तो समझ में आ जाता है कि बीजेपी के प्रति उनकी निकटता जो है वो किस तरह की है। आपको याद होगा कि ठीक चुनाव के बीच में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, 310, 315 सीटें वो अपने दम पर लाएगी, और हुआ क्या, 240 पे ठहर गई बीजेपी। तो उस समय भी वो बीजेपी की के लिए बैटिंग कर रहे थे, मोदी जी के लिए बैटिंग कर रहे थे, ये कहा गया था, क्योंकि वो एक माहौल बना रहे थे। इस माहौल की काट योगेंद्र यादव ने की थी जब कहा था कि 240, 250 के ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है। तो योगेंद्र यादव सही निकले और प्रशांत किशोर बीजेपी की बैटिंग करते हुए नजर आए, तो यहाँ भी वो इसी तरह से बीजेपी की को फायदा पहुँचाते हुए दिख रहे हैं। नीतीश को भी नुकसान पहुँचाएंगे, वो घोषणा कर रहे हैं कि नीतीश को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी इस चुनाव में। इस तरह के दावे तमाम लोग करते हैं, उनको भी हक है करें, लेकिन उनके टारगेट पर ये जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो हैं, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी पार्टियां हैं वो हैं, और ये साफ करता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का खेल खेल रहे हैं, बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए खेल कर रहे हैं। उनका वो जो सारा जो मायाजाल उन्होंने रचा था स्वराज यात्रा और तमाम तरह से, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है। प्रशांत किशोर खुद भी ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट के हैं, उनका सोच बहुत कुछ बीजेपी के सोच से मिलता जुलता है। वो मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, मोदी जी के लिए काम कर चुके हैं, और मोदी जी के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं बोलते जैसे अपोजिशन पार्टी बोलती है, और वो राहुल गांधी के बहुत खिलाफ है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ वो जहर उगलते रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें मिलकर यही बताती हैं कि प्रशांत किशोर दरअसल बीजेपी का खेल खेल रहे हैं, बीजेपी की बी टीम की तौर पर उतरेंगे मैदान में, आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिहार का मतदाता बहुत चतुर है और जातीय जो गणित है वहाँ का बिल्कुल दूसरे तरह का है, उसको तोड़ पाना, उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल होगा। कोई उनके बहकावे में आ जाएंगे, दलित या पिछड़े या अल्पसंख्यक, इसकी संभावना कम है। लेकिन जितना भी डेंट पहुंचा सके प्रशांत किशोर की कोशिश यही होगी, और जितना डेंट पहुंचाएंगे उतना बीजेपी का वो फायदा कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।